नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा क्या रहा पूरी 41 जिंदगियां और उनके साथ उनके घर वाले और देश भर की सांसें अटक गईं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी छोटे लगते हैं। कुल 17 दिन तक हमारे श्रमवीर सुरंग के भीतर रहे। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात की निगरानी करते रहे कि कैसे भी हो सभी को सुरक्षित बाहर लाना है। और आखिरकार दिन रात की कड़ी मशक्कत के बाद 17वें दिन हमारे श्रमवीर हमारे सामने मुस्कुराते हुए खड़े नजर आए। आइए आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास। एक माता पिता की तरह जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्लस सर, ऋषिकेश एम्स भी बेहतर इलाज के लिए सरकार ले जा रही है और आपने पुरस्कार राशि भी दी है। अभी देखिए, ऐसा है कि वो तो पुरस्कार राशि नहीं है, प्रोत्साहन है कि सब लोगों का, चूंकि इतने बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी और उन्होंने हमारे लोगों की भी जो बाहर थे उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। और अब चूंकि जो चिकित्सक हैं उनकी परामर्श के अनुसार उनको एक बार ऋषिकेश एम्स में भी एक बार उनकी जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत जो भी डॉक्टरों का निर्णय होगा। कहां पर खड़ा होना है? आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस पूरे